अभी सारी डक्स आ गई हैं, अब इनके रिएक्शन देखते हैं क्या होते हैं। ये फाइट कर रहा है, नेस्टिंग वगैरह करती हुई है इसमें, और बहुत जल्दी अपडेट करने वाला हो रहा है इनके बच्चों का। एग वाइट ढूंढ रहा था डक का, और वो ये रहा। यार ही मुझे लग रहा है किसी वो छोटी डक ने दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो जो हमारी डक्स गुम हुई थी, हमारी दो दिन पहले तकरीबन पानी में डक्स गुम हो गई थी, हम पॉन्ड पे उनको लेकर गए थे। तो उनमें से जो है चार मिल चुकी हैं, पांच डक्स हमने पानी में छोड़ी थी, ठीक है, जिसमें से हमें अब चार मिल चुकी हैं, लेकिन एक डक हमें नहीं मिली। तो आपको अब वो डक्स दिखाता हूँ किधर है। ये पैर जो पड़ा है ये भी गुम हो गया था हमारा, तो गंद वगैरह छत पे पड़ा है क्योंकि अभी न्यू शिफ्ट हुआ है घर, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम ये भी कचरा वगैरह साफ़ कर देंगे, फ़िलहाल बर्ड्स को ऐसे ही खुला छोड़ा हुआ है। तो ये जो है हमारी मस्कुई डक का एक मेल गे वाला गुम हुआ था, और एक ये फीमेल गुम हुई थी जो कि हमें अगले दिन सहरी के वक्त मिल गई थी। तो ये बाकी दो जो फीमेल्स हैं ये मैं घर लेकर आ गया था, ये तब भी आपने व्लॉग में देखा होगा, ये किनारे पर आ गई थी पहले, लेकिन ये जो मेल है और ये फीमेल जो है अगले दिन आई थी, ठीक है। फिलहाल देखते हैं फीमेल ने कोई अंडा वगैरह दिया है कि नहीं। नहीं, फीमेल ने अभी अंडा नहीं दिया है यहाँ पर। तो अभी मैं आपको अपने सील चिक्स दिखाता हूँ शामूज के, वो क्या है कि शाम की रूटीन कर दी है, अभी ये शाम है, ठीक है, अफ्तारी का टाइम होने में तकरीबन डेढ़ घंटा पड़ा हुआ है। तो शाम की मैंने इनकी रूटीन कर दी है क्योंकि सुबह टाइम मैं फ्री नहीं होता हूँ, चार बजे तक यूनिवर्सिटी से वापस आता हूँ, तीन बजे तक वहाँ से फ्री होता हूँ और घंटा घर आने में लग जाता है। और बर्ड की टाइमिंग मैंने रात की कर दी है, जो हमारी चिड़ियाँ तोते हैं और जो चूज़े वगैरह, उनको शाम को छत पे खुला छोड़ना होता है और उनको दाना भी यहीं पर हम खुला डालते हैं। तो अभी हम आपको अपने चिक्स दिखाते हैं और अपने परिंदे दिखाते हैं, उनकी भी अभी हालत इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, रूम वगैरह की सेटिंग होने वाली है। तो जैसा भी है आपने गंद वगैरह इग्नोर करना है फिलहाल, और आपको चिक्स वगैरह दिखाता हूँ अपने। ये हमारे चिक्स हैं जिनको भी हमने सेम खुला छोड़ना है, हमारे लिए डाइट वगैरह इनको देनी है। उसके नीचे हमने माशाल्लाह से हमारा एक जावा का पेड़ है, बहुत खूबसूरत लगा हुआ पेड़, ठीक है, नेस्टिंग वगैरह करती हुई है इसमें, और बहुत जल्दी अपडेट करने वाला है। ये हमारे पास जो है पेयर लगे हुए हैं एक्स्ट्रा, कुछ इनमें से रेस्ट पर हैं, ठीक है, कुछ पट्टे रेडी हो रहे हैं माशाल्लाह से, ठीक है। उसके बाद ये बड़ी कॉलोनी थी, यहाँ पे बहुत बड़ा ही जुल्म हो गया, इन्होंने शिफ्टिंग के दौरान अपने कॉलोनी में जितने भी बच्चे निकले थे ना वो इन्होंने मार दिए हैं, ठीक है, काफ़ी दुख हो रहा है इनके बच्चों का। और अभी इनकी भी सफाई वगैरह करेंगे इंशाल्लाह, सेटअप जब प्रॉपर न्यू बनेगा तो बहुत ही खूबसूरत इंशाल्लाह। और फिर मैं एग वाइट ढूंढ रहा था डक का, और ये रहा। यार ही मुझे लग रहा है किसी वो छोटी डक ने दिया, चिक्स को बाहर खोलते हैं अभी इनके एग यहाँ पर मैं रखता हूँ, ठीक है, अभी चिक्स को खोलते हैं। आ जाओ आ जाओ, और ये जो है ना बतखा ये बहुत हमला करता है, बड़ा चीज है, अभी मुझे मारने आ रहा है, इसको डराना पड़ेगा थोड़ा सा। ये भी हमारा चिक्स बाहर आ गया माशाल्लाह से, आप इनकी क्वालिटी देखकर बताएंगे कैसी है। शामूज के चिक्स हैं, अबे यार को तो मेरे पीछे आ रहे हैं, इनको भूख लगी। अच्छा माशाल्लाह से इनकी क्वालिटी क्या करें, मेरे हिसाब से दोनों फीमेल हैं,
अभी इनकी डाइट में इनको क्या दे रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। अभी इनकी फेस क्वालिटी आपको दिखाता हूँ चिक्स की। अब ये हाथ में आ जाओ, ये देखें माशाल्लाह से फुल पैरट फेस में है। और ये देखें अभी इनको दाना डालते हैं। इनका मैंने दाना रखा हुआ है, आज ही लेकर आया हूँ, इनका ना खत्म हो गया था। सही है, PS 14 फीड है। अगर आप भी अच्छी ग्रोथ चाहते हैं अपने चिक्स की तो ये यूज़ करें। अगर तो सर्दियाँ हैं तो आप ड्राई यूज़ कर सकते हैं, अगर गर्मी है तो इसको आप पानी लगा सकते हैं, और इसमें दही भी ऐड कर लिया करें हफ्ते में 2 बार, ताकि चिक्स का जो होता है ना डाइजेशन अच्छा हो जाता है। तो ये फीड है, अभी इसमें हम पानी ऐड करते हैं थोड़ा सा। अभी छत पे ना पानी का सिस्टम भाई को कहना है लगा दें, अभी वॉल वगैरह बने हैं लेकिन अभी टूटी कोई नहीं लगी है, इस वजह से ना नीचे से बहुत मुश्किल होती है, 2 पोर्शन ऊपर आकर फिर पानी डालना पड़ता है। अभी ये जग में पड़ा हुआ है, ये ऐड करते हैं इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी की कमी भी चिक्स की पूरी हो जाएगी, गले में फीड भी नहीं अटकेगी। ये क्या हुआ, पार वगैरह बड़े उठे हैं मेरे चिक्स की तरह। मुझे लगा कुछ हो गया इनको। आ जाओ, डाइट आ गई है, डाइट आ गई है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखें काबले हो गए, ये अब क्वालिटी चेक करें चिक्स की। अभी सारी डक्स आ गई हैं, अब इनके रिएक्शन देखते हैं क्या होते हैं। ओहो, ये तो फाइट कर रहा है डक के साथ, अपनी डाइट पे नहीं आने देंगे किसी को। हालांकि ये देखें कितना बड़ा ये, और मुझे ना मारी। ये मुझे मारने आ रहा है, उसका कोई बंदोबस्त करता हूँ नहीं तो ये मुझे काटेगा। ये देखें 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 ये आ रहा है। चल आ जा आ जा अब आ जा अब आ आ ना आ चिक्स हमारे बहुत बहादुर हैं, अपने डक को हमला नहीं करने दे रहे, खुराक पे खुद खाएंगे लेकिन उनको पास नहीं आने दे रहे। अच्छा वो भी डरती हैं इनसे, अजीब बात है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये तो फीमेल है, इंशाल्लाह इनके लिए मेल लेके आऊँगा। इस एज का काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं ये, इस वजह से अब देखो मैं कब लेके आता हूँ, जब पैसे आएंगे ना ले आऊँगा। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, इंशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप बनाएंगे इस छत के ऊपर, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितने खुश होकर फीड खा रहे हैं। अच्छा एक और मैं आपको टिप बता दूं, आपने जब भी चिक्स हो जाए ना इस एज के, तो आपने उनको खुराक देनी है सिर्फ 2 टाइम। मैं सुबह इनको कितने बजे खुराक देता हूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगता हूँ 6 बजे इनको खुराक डालता हूँ फीड इनकी, और शाम में जब अफ्तारी से तकरीबन 1.5 घंटा पहले, यानी कि आप लगा लें 5:30 बजे छत पे आके इनको खोलता हूँ, 5:30 बजे आके छत पे खोल के फिर इनको डाइट डालता हूँ। इतना गैप आप रखेंगे आपके चिक्स में ज़रा भी कोई वायरस वगैरह बीमारी वगैरह नहीं आएगी, इनके जो होता है पोट कभी भी जाम नहीं होगी, और वो अच्छी डाइजेशन, और जब ये पेट भर कर खाएंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। कल इनकी मैंने डीवॉर्मिंग की है और आज इनकी माशाल्लाह से ये देखें कैसे खुश होकर खा रहे हैं।
कि माशाल्लाह से अपनी काफ़ी हद तक डाइट खा चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा आप बॉयल एग भी इनको दे सकते हैं। अभी गर्मी है तो आपने सुबह के टाइम एग डालना है या रात को, दोपहर के वक्त आप नहीं डालें कुछ भी। दोपहर के वक्त सब्जियां हो गई, खीरे वगैरह, पालक वगैरह, ठंडी चीज़ें वो डालें, सब्जी जो भी हो घर में। सालन वगैरह घर में बचता अगर तो वो उसके अंदर रोटियों को भिगो के छोटे छोटे टुकड़े वो डालें, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।